Hi guys, welcome back to my channel and welcome to this video. So in today's video, मैं आपके वो सारे questions address करने वाली हूँ जो कि आपने मुझसे last two videos के बाद पूछे. तो जल्दी से start करते हैं. Before starting, I wanted to share something with you all. Finally, I have received my offer letter from State Bank of India. My joining is from 18th of April and I have been allotted the Bhuvaneshwar Circle. So let's get started. जो सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट इन नैनीताल बैंक, तो मुझे समझ नहीं आता कि वाई वुड यू थिंक दैट इट इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, राइट? नैनीताल बैंक हैज़ बीन कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट एवरी ईयर ऑलमोस्ट, एंड यू कैन सी कि अड्डा 247 है या हर जगह इसका नोटिफिकेशन के बारे में बात होती है, डिस्कस किया जाता है. तो ऑफकोर्स इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. आई हैव बीन और आई हैव क्लियर्ड दिस माई सेल्फ और आई वॉज अ पार्ट ऑफ द बैंक फॉर 4 years, एंड ऑल माई कॉलीग्स, ऑल माई सीनियर्स, ऑल माई जूनियर्स वर रिक्रूटेड थ्रू द सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस. सो येस, इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. प्लीज़ डू नॉट बिलीव इन एनी र्यूमर्स. हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं, मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा उनके बारे में क्लैरिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्वेश्चन भी है कि मैम वॉट इज़ द वेटेज ऑफ रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू. तो ये चीज़ आपकी नोटिफिकेशन में ही बैंक ने क्लियर नहीं की है या डिस्क्लोज नहीं की है, तो इसके बारे में मैं नहीं कुछ बता सकती बिकॉज इट्स अ मैनेजमेंट कॉल. तो शायद मे बी इन सब चीज़ों की वजह से कई लोगों को लगता है कि ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, बट ऐसा नहीं है. प्लीज़ सेव योर सेल्फ फ्रॉम सच र्यूमर्स. So moving on to the next question, where will I get posted if I get selected? So, okay, इस question का exact answer मैं नहीं कर सकती हूँ, but मैं कुछ facts आपके सामने रखती हूँ. नैनीताल बैंक की जो branches हैं, total around 164 branches हैं, ठीक है? अब इसमें से अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हैं 16 branches. अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे हैं 3 branches. अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे हैं 8 branches. उत्तर प्रदेश में अराउंड 41 या 42 ब्रांचेस हैं और उत्तराखंड में हैं अराउंड 96 ब्रांचेस. तो 50% से ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं वो उत्तराखंड में हैं. तो आई थिंक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, स्टाफ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पोस्टिंग मिलने की चांसेस भी ज़्यादा होती हैं. बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि यू विल नॉट गेट दिल्ली और नोएडा एक्सेट्रा. आई बिलोंग टू हल्द्वानी एंड आई वॉज गिवन पीतमपुरा दिल्ली. सो 4 years आई हैव वर्कड इन द सेम ब्रांच. मेरा ट्रांसफ़र ड्यू था बट बिफोर दैट आई रिज़ाइन, सो मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ. सो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रांच का एक्सपीरियंस है, बट जनरली ऑफिसर्स गेट ट्रांसफर्ड इन 3 years और सो, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट आर द वर्किंग आवर्स. इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. वर्किंग आवर्स फॉर ऑफिसर्स आर नॉट फिक्स्ड. इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर बैंक. सुबह आपका रिपोर्टिंग का टाइम होता है कि 9:45 पे आपको रिपोर्ट करना है, बिकॉज जनरली 10 बजे से जो पब्लिक डीलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है. तो 9:45 पे एवरी स्टाफ इज़ एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट, ठीक है? उसके बाद फॉर ऑफिसर्स माई नॉर्मल टाइमिंग्स वर 7:30. सो टिल 7:30 आई यूज़ टू लीव द ब्रांच, ठीक है? नाउ दिस इज़ नॉट अ फिक्स टाइमिंग. वर्कलोड के हिसाब से ये टाइमिंग्स और बढ़ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लोजिंग मंथ्स, मार्च, दिसंबर, ये सारे क्वार्टर क्लोजिंग मंथ्स होते हैं, तो तब वर्कलोड ज़्यादा होता है. फॉर क्लेरिकल स्टाफ इट इज़ फिक्स्ड एट 5 PM इन द इवनिंग. तो क्लेरिकल स्टाफ जनरली लीव्स एट 5 PM, ठीक है? हाउएवर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच हेड कि वो किस तरह से आपको अकोमोडेट करते हैं या किस तरह से वो खुद, अगर लेट सिटिंग के हैबिट उनकी है तो ऑफकोर्स एज एन ऑफिसर यू विल हैव टू सिट और यू विल हैव टू सीक हिज परमिशन, राइट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विल आई गेट टाइम टू स्टडी इफ आई ज्वाइन नैनीताल बैंक? ये तो आप पे डिपेंड करता है. सो बेसिकली मैं भी नैनीताल बैंक का पार्ट थी और मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ हैव बीन पार्ट ऑफ नैनीताल बैंक एंड वी बोथ क्लियर्ड SBI PO वाइल वर्किंग विद द बैंक. सो यू विल हैव टू यू नो मेक दिस हैपन योर सेल्फ. ये तो आप ही खुद के लिए कर सकते हो. यू हैव टू मैनेज योर टाइमिंग्स, यू हैव टू मैनेज योर वीकेंड्स अकॉर्डिंगली, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट इज़ द प्रमोशन क्राइटेरिया.
यार प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में अभी बात करके कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बिकॉज़ वंस यू विल जॉइन द बैंक ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में आपको पता चल जाएंगी। जैसे बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्केल वाइज प्रमोशन होते हैं, सिमिलरली नैनीताल बैंक में भी होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देख के, आपकी ब्रांच की क्या परफॉर्मेंस रही है, आपने कितने टारगेट्स पूरे किए, आपके जो ब्रांच हेड हैं उन्होंने आपकी EPRF एम्प्लॉई परफॉर्मेंस जो जाती है वो किस तरह से आपको मार्क्स दिए हैं, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। हर साल जैसे अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिमिलरली प्रमोशन एक्सरसाइज भी हर साल बैंक कंडक्ट कराता है, सो इट इज़ सिमिलर टू एनी अदर बैंक एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट वंस यू ज्वाइन द बैंक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द वर्क कल्चर। तो ये थोड़ा सा मुझे ओपन एंडेड क्वेश्चन लगा, बट आई ट्राई टू आंसर कि शायद आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये टारगेट बेस्ड है या नहीं है, या किस तरह से वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है। तो ऑफकोर्स टुडे बैंकिंग जॉब इज़ बिकमिंग अ टारगेट बेस्ड जॉब बिकॉज देयर इज़ सो मच कॉम्पिटिशन। तो प्रॉपर नैनीताल बैंक में भी लॉग इन डेज होते हैं, वीकली लॉग इन डेज, हाउसिंग लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, कासा लॉग इन, सो यू हैव टू लाइक परफॉर्म एंड यू हैव टू ट्राई टू गेट मोर एंड मोर बिजनेस। तो इन दैट वेज येस वर्क प्रेशर इज़ देयर, ठीक है। बाकी वर्क प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी ब्रांच में कितना फुटफॉल है या फिर आप कहाँ पर पोस्टेड हैं, राइट। तो दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सैलरी स्ट्रक्चर। ये चीज़ मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कवर की थी कि सैलरी स्ट्रक्चर इज़ डिसाइडेड बाय IBA, CTC नहीं है। कई बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि क्या CTC है, CTC नहीं है, वो जो IBA का बायपार्टाइट के हिसाब से जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो है। सो आई कैन नॉट शेयर द सैलरी स्लिप विच इज़ नॉट allowed and it is not legal also, but jo increment hai, allowances hain, they are similar to any other public sector bank, right. However, your place of posting also defines a lot of things, like lease ka amount region to region differ karta hai, to is tarah se thode bahut changes hote hain, right. So majorly ye kuch 7 se 8 questions the which I have tried to address in this short video because I understand that aaj ke time pe har kisi ko time ki kami hai. So thank you so much for all the love that you have shown in the previous video. I am requesting you to please like my videos, subscribe to the channel and share it with other relevant people, other candidates who are seeking answer to such questions. Thank you so much for staying tuned. Have a great day.